अक्षय तृतीया की कथा सुनने के बड़े ही रहस्यमयी, चमत्कारी, अक्षय और स्थायी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम अक्षय तृतीया की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में अक्षय लक्ष्मी का निवास होगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है, उसे अक्षय कहते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार जो मुख्य तिथियां बताई गई है उनमें से एक अक्षय तृतीया भी है, क्योंकि पूरे वर्ष में 3.5 ऐसे मुहूर्त होते हैं जिन्हें अक्षय या अभूज मुहूर्त माने गए हैं। तो सबसे पहला जो अभूज मुहूर्त होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी गुड़ी पड़वा जिसे कहते हैं, वो अभूज मुहूर्त होता है। इस अभूज मुहूर्त में किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आप बिना मुहूर्त देखे, बिना मुहूर्त पूछे कर सकते हैं। दूसरा अभूज और अक्षय मुहूर्त होता है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। और तीसरा अभूज और अक्षय मुहूर्त होता है विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं, जो आश्विन मास के नवरात्रि के बाद जो दशहरा आता है जिसे विजयादशमी के रूप में हम मनाते हैं, उसे भी अभूज मुहूर्त माना गया है। और इसके बाद दिवाली की जो पड़वा होती है, दिवाली की प्रतिपदा जिस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, उसका आधा दिन यानी दोपहर 12 बजे तक का जो समय होता है उसे अभूज मुहूर्त या अक्षय मुहूर्त माना जा गया है। तो ये 3.5 मुहूर्त वर्ष में अक्षय होते हैं और इनमें सबसे बड़ा जो अक्षय मुहूर्त होता है वो होता है अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सबसे बड़ा अक्षय मुहूर्त माना गया है। यह दिन सनातन हिंदू पंचांग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है जिसे उजाली पक्ष कहा जाता है यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो निरंतर बढ़ती रहती है। इस महापर्व को अक्षय तृतीया के अलावा अखा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, इसलिए इसे अक्षय कहा जाता है। अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ पल का कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन जो भी पुण्य कर्म किए जाएंगे, दान किए जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म किए जाएंगे, वह कभी भी समाप्त नहीं होंगे, अर्थात उनका पुण्य अक्षय होगा और आपके जीवन में निरंतर जो है अक्षय वृद्धि करने वाले होते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जो कोई भी काम किया जाता है या उपाय किए जाते हैं वो अक्षय फल देने वाले सिद्ध होते हैं। यानी इस दिन यदि आप कोई भी नई वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे सोना, पीतल या फिर नया वाहन या फिर कोई भी आभूषण या नया घर, नई स्थायी संपत्ति, प्लाट, जमीन जायदाद, वाहन, मशीनरी, कोई भी वस्तु खरीदते हैं वह अक्षय फल देने वाली सिद्ध होती है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है। सभी हिंदू समुदाय के लोग इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के साथ अक्षय तृतीया का दिन जैन धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जैन धर्म में भी कुछ मान्यताएं अक्षय तृतीया को लेकर के हैं। हिंदू सनातन में यह मान्यता है कि भगवान विष्णु का जो है प्रागट्य इस दिन हुआ था, और कुछ प्रामाणिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं भी अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से संपन्न हुई थी, इसलिए इसे अक्षय मुहूर्त माना गया है। यह दिन पृथ्वी के रक्षक भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। सनातन हिंदू की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी ने परशुराम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस दिन भगवान परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए यह दिन परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी त्रेता एवं द्वापर तक पृथ्वी पर चिरंजीवी यानी अमर रहे। परशुराम सप्त ऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, इसलिए अक्षय तृतीया
को परशुराम जयंती के रूप में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और सभी ब्रह्म समाज इसे बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ में मनाते हैं क्योंकि भगवान परशुराम का प्रागट्य दिवस है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती के सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भागीरथ पृथ्वी पर इसी दिन लाए थे। इस पवित्र नदी को धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए यह दिन सनातन हिंदुओं का पावन पर्व हो गया है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का दिन भोजन की यानी अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा का दिन भी माना जाता है। इस दिन ऐसा कहा गया है कि माँ अन्नपूर्णा अक्षय पात्र लेकर के प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन अपने भंडार में जो है पूजन अर्चन करके अन्नपूर्णा माता का भी पूजन किया जाता है, जिससे आपका घर का भंडार भर जाता है और आपकी भोजन में आपकी रसोई में स्वाद भी बढ़ जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन की कुछ अलग मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर भगवान के दरबार के खजांची ने शिवपुर नामक जगह पर शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी, इसलिए तब से लेकर के आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। माता लक्ष्मी भगवान नारायण एवं विष्णु की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की विशेष रूप से पूजा की जाती है, श्री यंत्रम की भी पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर भगवान का चित्र भी होता है। अक्षय तृतीया के दिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना आरंभ की थी। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन या अन्न समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन दे करके उनकी सहायता करते थे। इसी आधार पर जो है इस दिन किया जाने वाला पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता है। यह मनुष्य के भाग्य में जो है जन्म जन्मांतर तक वृद्धि को प्राप्त करता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था, यानी अक्षय साड़ी उस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को प्रदान की थी। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे, वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय के जानने वाली सर्व अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया, उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से जो है उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था और उसे अक्षय पुण्य फल प्रदान कर दिया। इस दिन से जो है अक्षय तृतीया का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। भारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू करते हैं। इस दिन उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा भी निकलती है। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अलग अलग महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा माता महालक्ष्मी जी का पूजन करके व्यापारी अपना लेखा जोखा या जो अपना वार्षिक जो क्रियाकलाप है वह शुरू करने की प्रथा शुरू करते हैं, इसे यहाँ पर हल खता कहते हैं। पंजाब में इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन को नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है।
अक्षय तृतीया के दिन जो है सभी पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं। उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं उतने ही फसल तथा बरसात के लिए शुभ शकुन माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का महत्व है। जैन धर्म के लिए यह दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन प्रथम 24 तीर्थंकर में से एक भगवान ऋषभदेव जो कि साक्षात नारायण के अवतार थे उनका अवतार जो है हुआ है। ऋषभदेव ही बाद में जाकर के भगवान आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभदेव जैनी भिक्षु थे। इन्होंने ही जैन धर्म में आहार आचार्य जैनी साधुओं तक का आहार भोजन पहुंचाने का तरीका प्रचारित किया था। जैनी भिक्षु कभी खुद के लिए भोजन नहीं पकाते हैं तथा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। जो कुछ भी उन्हें लोग प्रेम से दे देते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे जैन समुदाय में बहुत ही रोचक कथा है। ऋषभदेव ने अपना राज्यपाट अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार की मोह माया त्याग कर दी थी। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन तथा बिना पानी के तपस्या की, फिर उसके बाद भोजन की आवश्यकता में ध्यान से बाहर बैठ गए। यह जैनी संत आहार की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने ऋषभदेव को राजा समझकर उन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े कपड़े और बहुत कुछ अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री तक का दान दे दिया। परंतु ऋषभदेव को यह सब नहीं चाहिए था, वह तो सिर्फ भोजन का एक निवाला चाह रहे थे। इसलिए ऋषभदेव फिर से 1 साल तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने साल भर तक उपवास रखा। फिर 1 साल के बाद राजा श्रेयांश हुए, जिन्होंने अपने पूर्व भाव स्मरण यानी पिछले जन्म के विचार जानने की शक्ति से ऋषभदेव के मन की बात समझी और उनका उपवास तुड़वा करके उन्हें गन्ने का रस पिलाया। यह दिन अक्षय तृतीया का था। उस दिन से आज तक तीर्थंकर ऋषभदेव के उपवास को महत्व को समझते हुए जैन समुदाय अक्षय तृतीया के दिन उपवास रख करके गन्ने के रस से अपना उपवास समाप्त करते हैं। इस प्रथा को पारणा कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी का पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा विष्णु जी को चावल चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी के आराधना करके उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोजन समर्पित किया जाता है। सभी विधि विधान पूर्ण करके भगवान को धूप बत्ती अर्पित करके उनकी आरती उतारी जाती है। गर्मी का मौसम होने के कारण भगवान नारायण को इस दिन जो है आम या गर्मी में आने वाले सभी फल इमली आदि चढ़ा करके पूरे वर्ष अच्छी फसल तथा वर्षा के लिए उनसे कामना की जाती है। कई स्थानों पर इस दिन मिट्टी से बने घड़े मटके यानी कलश और उसके ऊपर केरी कच्चा आम इमली या खरबूजा या फिर अन्य कोई भी गर्मी का फल रख करके गुड़ के साथ जो है पानी रख करके भगवान को चढ़ाया जाता है और उस कलश को ब्राह्मण को या मंदिर में दान किया जाता है। इस दिन अच्छे विचारों से दी गई हर वस्तु के दान का पुण्य लगता है। इस दिन घी शकर अनाज फल सब्जी इमली कपड़े सोना चांदी आदि का दान देना चाहिए। इस दिन छोटे से छोटे दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। फिर भी अक्षय तृतीया पर कई वस्तुओं को दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन कई प्रकार से जो है आप अपने घर में गर्मी से बचाव के उपकरण भी दान कर सकते हैं या फिर नया सामान भी खरीद करके ला सकते हैं। यह दिन सभी शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना अत्यंत शुभ माना जाता है। जिस प्रकार इस दिन दिए गए दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में भी पति पत्नी के बीच प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन विवाह करने वाले जन्म जन्म तक साथ निभाते हैं। विवाह के अलावा सभी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन संस्कार घर आदि का उद्यापन या नए घर में प्रवेश करना नए व्यापार का शुरू करना नया पदभार ग्रहण करना नया वाहन खरीदना नए प्रोजेक्ट शुरू करना या कोई भी नया काम शुरू करना इस दिन सोना चांदी गहने खरीदना भी शुभ माना जाता है। व्यापार शुरू करने से उसमें तरक्की मिलती है और भाग्य के माध्यम से दिनों दिन
फल की वृद्धि होकर के उन्नति और प्रगति प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में महत्व है। जो इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन एवं दान आदि करता है, उसको सभी प्रकार के सुख संपत्ति धन यश वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना। और अक्षय तृतीया की एक प्राचीन कथा है, उसमें बताया गया है कि धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, हमेशा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ करके उसने गंगा जी में स्नान किया, फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जो सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख करके ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देख करके धर्मराज के परिवार वाले उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देंगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास ने अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुए और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया तो प्रत्येक बार धर्मदास ने इस विधि से पूजा की और दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई और किसी भी कारण से वह अपने आप को रोक नहीं पाया। इस प्रकार वह प्रत्येक अक्षय तृतीया को दान पुण्य और व्रत करता रहा और इस जन्म के पुण्य के प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरा, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा एवं महत्व को सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह सभी मुहूर्तों में अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन यदि आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो पंचांग देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 7 मई 2019 मंगलवार के दिन है और इस दिन सुबह से लेकर के देर रात तक आप अक्षय पुण्य को प्राप्त करने के लिए दान पुण्य व्रत जप तप उपाय आदि सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय पुण्य आपको इस दिन प्राप्त होगा। और अक्षय फल की यदि आपको प्राप्ति करनी है तो आपको अक्षय तृतीया के दिन विभिन्न उपायों को करना चाहिए। तो मित्रों, हमने आपको अक्षय तृतीया की ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।